Dear friends, welcome to International British English Speaking Course. International British English Speaking Course में आप सबका स्वागत है और इस समय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेज टू ऑफ द कोर्स. इसके पहले हमने इस कोर्स का स्टेज वन बना रखा है, जो वीडियो आप YouTube पर अवेलेबल है, साथ में ही जो ऐप में अगर देख रहे हैं तो ऐप में भी अवेलेबल है. चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो ऐप से पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और डाउनलोड करवाएं ताकि दूसरे भी इससे सीख पाएँ. और जो चैनल से देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आगे आपको. तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं स्टेज टू. स्टेज टू का इम्पोर्टेंट टॉपिक है संपर्क या कॉन्टेक्ट. संपर्क या जान पहचान, दुनिया के सारे खास काम इसी शब्द से जुड़े हुए हैं. संपर्क बढ़ाने के लिए आपको बातचीत की कला का ज्ञान होना आवश्यक है. तो आइए सीखते हैं नए संपर्क के दौरान होने वाली बातचीत का तरीका. किसी से मुलाकात होने पर सबसे पहले आप अपना परिचय इस प्रकार दें. किस तरीके से देंगे? हेलो, आई एम राज. या बोल सकते हैं आप, हेलो माई नेम इज राज. सामने वाले से भी अपना नाम पूछना है, सामने वाले का नाम पूछना है तो कैसे पूछोगे? एंड योर्स, और आपका. तो सामने वाला अपना नाम बोलेगा, उसको जैसे भी आता हूँ उसने. ठीक है, हमारा काम पूछने का था, हमने पूछ लिया. अच्छा, नाम पूछने के लिए कोई एक ही तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं. वन बाय वन हम आगे सेंटेंस सीखते जाएंगे. तो बिल्कुल ध्यान से, धीरे से और बिल्कुल पेशेंस के साथ कोर्स को सीखें. जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको कोई चीज़ इसमें समझने में दिक्कत आती है या कभी आप, तो उसको रिपीट कर लें, वीडियो को वापस से देख लें. और जितना इसमें बोल के सीखा रहे हैं उसको बार बार बोल करके सीखने की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको वो चीज़ ज़बान पर फिट हो जाए, माइंड में फिट हो जानी चाहिए आपको. कुड आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? या किसी को बोलना है आपका शुभ नाम क्या है तो योर गुड नेम प्लीज, ऐसे भी बोल सकते हैं. या कोई और सेंटेंस है, क्या मैं आपका परिचय पा सकता हूँ? तो उसके लिए सेंटेंस रहेगा, मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन. मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन. अब मैंने आपको इसमें टुकड़े कर करके सेंटेंस सिखाया है क्योंकि ये सेंटेंस काफ़ी लंबा है. बार बार अगर आप इसको बोलेंगे तो ये आपकी ज़बान पर फिट हो जाएगा. तो कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन. ये तो बहुत स्पीड से बोल दिया मैंने, तो एक बार धीरे से बोल के बताता हूँ. आप प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप भी एक स्पीड में बोल पाएंगे. मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन, क्या मैं आपका परिचय पा सकता हूँ? तो आप अपना जवाब किस प्रकार देंगे? अगर आपसे किसी ने नाम पूछा तो आप कैसे बताएंगे आंसर? तो माई नेम इज दीपक, आई एम दीपक, माई सेल्फ दीपक, इस तरीके से जवाब दे सकते हैं. सामने वाले से भी आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप शादीशुदा हैं या कंवारे, तो कैसे पूछेंगे? तो क्वेश्चन बनेगा, आर यू मैरिड और अनमैरिड. या अनमैरिड की जगह पर आप बैचलर भी बोल सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है, आर यू मैरिड और बैचलर, आप शादीशुदा हैं या कंवारे. अगर कोई मैरिड है तो बोलेगा आई एम मैरिड, या बैचलर है तो आई एम अ बैचलर, इस तरीके से जवाब दे सकता है. तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला जो सेंटेंस है वो रेजिडेंस से रिलेटेड है कि आप कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है, इससे संबंधित या स्थान से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, या वेयर डू यू रिसाइड, आप कहाँ रहते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. या वेयर इज योर रेजिडेंस, आपका घर कहाँ है. तो आई लिव एट करके जो भी छोटी जगह है उसका नाम लिख सकते हैं. और बड़ी जगह का नाम बोलना चाहते हैं तो इन लगाएंगे, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ. लेकिन मुंबई के किसी छोटे इलाके में रहते हैं तो उसके लिए आई लिव एट करके, आई लिव एट खार, आई लिव एट मरीन लाइन, इस तरीके से बोल सकते हैं छोटी जगह का नाम. ठीक है, तो अब यू मस्ट नो बॉक्स में कुछ खास बात दे रखी है, वो भी हम आपको सिखाते हैं. इसमें जगह के लिए हम कैसे वर्ड, कौन सा इन, एट, ये प्रीपोजिशन है लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी दे रखी. तो शहरों के नाम से पहले इन लगाएं, जैसे कि इन मुंबई, इन दिल्ली, इस तरीके से. और शहर के इलाका के नाम के आगे एट लगाएं. किसी शहर का छोटा इलाका है उसके आगे एट लगता है, जैसे एट खार इन मुंबई,
मुंबई के अंदर रहता हूँ, लेकिन कहाँ रहता हूँ, खार खार जगह का नाम है वहाँ पे, एट रिठाला इन दिल्ली। दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में किस जगह पे रहता हूँ, रिठाला में रहता हूँ, या दिल्ली में 30,000 जगह है, तो आई लिव एट 30,000 इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर में 30,000 नाम की जगह पर रहता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना है कि किसी जगह के नाम के पहले इन कब लगाना है, एट कब लगाना है, पता रहना चाहिए। आगे है, वेयर डू यू बिलोंग टू। अगर आप किसी आदमी से ही पूछ रहे हैं कि आप किस जगह से संबंधित हैं, कई बार लोग दूसरे जिलों में जाके रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, होते किसी और जगह के हैं, तो उन लोगों से कैसे हम पूछेंगे भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो कैसे पूछेंगे। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमको कोई भी तरीके जो भी हो वो हमने इसमें से पढ़ लेने हैं, तो उसका जवाब कैसे देना वो भी सीख जाएंगे आप। तो वेयर डू यू बिलोंग टू मतलब आप कहाँ के हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ के हैं। तो जवाब देने वाला बोल सकता है आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली का हूँ। अथवा किसी और तरीके से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, इसका अर्थ भी होता है आप कहाँ के हैं। और अगर इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोलेंगे वेयर यू फ्रॉम, तो जवाब देने वाला जवाब दे सकता है आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली का हूँ। अब एक और तरीके से पूछ सकते हैं उसको, व्हाट इज योर नेटिव प्लेस, आपका मूल निवास क्या है, या व्हाट इज योर होम टाउन, आपका गृह जिला कौन सा है, या गृह नगर कौन सा है। तो जवाब रहेगा माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली, मेरा नेटिव प्लेस दिल्ली है, मेरा मूल निवास दिल्ली है, या माई होम टाउन इज दिल्ली, मेरा गृह नगर दिल्ली है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है जवाब भी उसी तरीके से आपको देना है, व्हाट इज योर नेटिव प्लेस, तो माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली, ऐसा बोलना है। अगर सामने वाला पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपको जवाब देना आई एम फ्रॉम दिल्ली, उस समय आपको माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली नहीं बोलना चाहिए। मतलब सामने वाला जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आंसर भी उसी फॉर्मेट में हमको देना चाहिए, अच्छा लगता है ऐसा बोलने पर। नेक्स्ट है, अगर आप सामने वाले की उम्र जानना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे, तो हाउ ओल्ड आर यू, या व्हाट इज योर एज, तो सामने वाला जवाब देगा आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, या आई एम अबाउट 10, आई एम अबाउट 40, ये आंसर हो सकता है। आई एम 60, मैं 60 का हूँ। अब किसी से पूछना है कि उसके काम के बारे में पूछना है कि आप क्या काम करते हो, तो पूछेंगे हम व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं, तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, या आई एम एन एम्प्लॉय, मैं एक विद्यार्थी हूँ, या एक सॉरी आई एम एन एम्प्लॉय, तो मैं एक कर्मचारी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट का मतलब होता है मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो जो भी प्रोफेशन होगा सुनने वाले का वो अपना प्रोफेशन खुद बोल देगा। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, सरकारी नौकर हूँ। आई एम सॉरी, अब एक और जानकारी आपको ऊपर दे देते हैं, यू मस्ट नो बॉक्स में से, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको कम टाइम में सिखाने की कोशिश करता है बॉक्स, तो इस बॉक्स को हम नहीं छोड़ेंगे, जरूर इस बॉक्स में जानकारी है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस बार बॉक्स में हमारे लिए है विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन, कि किस किस तरह के काम लोग करते हैं। तो बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यवसायी, अगर आप बिजनेसमैन हो, व्यवसायी हो, तो अपने आप को बिजनेसमैन बोलेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर, मैं अभियंता हूँ। अगर आप दलाली का काम करते हैं तो आई एम अ ब्रोकर। अगर आप एजेंट हैं तो आई एम अभी एजेंट को क्या बोलते हैं, अभिकर्ता बोलते हैं, तो आई एम एन एजेंट। इलेक्ट्रिक का लाइट का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, आई एम एन इलेक्ट्रीशियन। अगर ऑपरेटर हैं किसी चीज़ के, जैसे कंप्यूटर के या किसी मिल में किसी मशीन के ऑपरेटर हैं, तो आप बोलेंगे आई एम एन ऑपरेटर। अगर आप निरीक्षक हैं तो आई एम अ सुपरवाइजर। अगर आप दुकान चलाते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ शॉपकीपर। तो फ्रेंड्स ये थे डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन, तो हमको इन प्रोफेशंस के नाम हमको रट लेने चाहिए, ताकि कभी हमको कोई बोले तो हमको पता चल जाना चाहिए कि सुपरवाइजर क्या होता है, शॉपकीपर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, एजेंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी हम कुछ और सीखेंगे, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस करें, और जो ऐप से पढ़ रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि ऐप को आप डाउनलोड करें, करवाएं और शेयर करें।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी अगले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं इसको इसके अंदर। इन विच कंपनी डू यू वर्क, कोई पर्सन अगर किसी कंपनी में काम करता है तो आप पूछेंगे उसको इन विच कंपनी डू यू वर्क, आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो जवाब देने वाला बोलेगा आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इमेजिनरी नाम है, आप जो भी कंपनी में काम करते हैं वो नाम बोले, हमने इसमें आइडिया आपको हो जाए इसके लिए नाम लिखा है कुछ भी। आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। आई, और अगर काम जो कोई व्यक्ति काम नहीं करता है और वो कोई जॉब की तलाश कर रहा है तो वो कैसे जवाब दे सकता है, आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ योर बॉस, सपोज आपकी कंपनी में कोई ऑफिसर है, बॉस है, तो आपका बॉस का स्वभाव कैसा है, ऐसा पूछने के लिए सेंटेंस क्या होगा, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ योर बॉस, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ योर बॉस, तुम्हारे बॉस का स्वभाव कैसा है, तो आंसर होगा माई बॉस इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, मेरा बॉस एक मेहनती आदमी है, या माई बॉस इज अ जॉली पर्सन, मेरा बॉस एक मिलनसार व्यक्ति है, या माई बॉस इज अ चीयरफुल पर्सन, मेरा बॉस एक हसमुख व्यक्ति है। तो जिस तरह का नेचर आपका बॉस का हो उस तरीके का जवाब आप दे सकते हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, जॉली का मतलब मिलनसार होता है, और चीयरफुल का मतलब हसमुख होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ खास सेंटेंस है जो कॉन्टेक्ट किसी से हमारा होता है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, या सामने वाला भी हमारे से पूछ सकता है। फ्रेंड्स, ये जो हमने आज खास सेंटेंसेस सीखे हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज आपके सामने है, चेक योर प्रोग्रेस में, एक एक क्वेश्चन को पढ़ें और उसका उत्तर सॉल्व करने के लिए आप पीछे जो भी सीखे हैं वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, आप आंसर कैसे बता पाएंगे। तो मैंने एक एक्सरसाइज पहले वाली स्टेज में सॉल्व करके बता दी थी, बाकी की एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व आउट करनी है ताकि आपको ये सीखने का बेनिफिट मिल पाए, और आपको अगर आपने ऊपर के सेंटेंसेस ध्यान से सीख रखें तो आपको सारे के सारे सेंटेंसेस के आंसर जरूर ही मिल जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं सेंटेंसेस को, मैं एक बार बोलूँगा विदाउट इट्स हिंदी ट्रांसलेशन, और आपको मेरे साथ बोलना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हेलो आई एम राज, या हेलो माई नेम इज राज, कुड आई नो योर नेम प्लीज, योर गुड नेम प्लीज, मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन, माई नेम इज राज, आई एम राज, माई सेल्फ राज, आर यू मेरिड और अनमेरिड, आई एम मेरिड, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रिसाइड, वेयर इज योर रेजिडेंस, आई लिव एट खार, आई लिव इन मुंबई, वेयर डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू दिल्ली, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली, What is your native place? What is your hometown? My native place is Delhi. My hometown is Delhi. How old are you? What is your age? I am 50 years old. I am about 10. I am 60. What do you do? I am a student. I am an employee. I am a government servant. In which company do you work? I work in Young India Private Limited. I am in search of a good job. Tell me about the nature of your boss. My boss is an industrious person. My boss is a jolly person. My boss is a cheerful person. तो फ्रेंड्स, ये थे सेंटेंसेस जिसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको इसको सीखने के लिए इस वीडियो को बार बार देखना पड़ सकता है, कितनी बार देखना पड़ सकता है वो आप पे डिपेंड करता है। जब तक आप इसको अच्छे से सेंटेंसेस आपकी जबान पर फिट नहीं हो जाए, माइंड में फिट नहीं हो जाए बिना देखा दे, तो आपको ये सब सीखते रहना है, सुनते रहना है, बार बार वीडियो देखना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, स्टेज वन में हमने देखा था कुछ सेंटेंस सिखाए थे आपको लेसन के एंड में, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज है, इसलिए इस स्टेज के एंड में कुछ नए मीनिंग आपको सिखाएंगे। इस चीज का नाम है एनरिच योर वर्ड बैंक, आपका शब्द ज्ञान समृद्ध बनाए। तो एनरिच योर वर्ड बैंक में आप अपना वर्ड बैंक है या शब्द ज्ञान है उसको बढ़ाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं वो आपको आते होंगे क्योंकि ये शुरुआती स्टेज है, जैसे जैसे आप अलग अलग स्टेज में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे अच्छे नए नए वर्ड्स सीखने मिलेंगे और नए नए सेंटेंसेस भी सीखने मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और कंटिन्यू इसको देखते रहिए।
आप कंटिन्यू इसको देखते रहेंगे तो आपको कंटिन्यू इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। हियर यहाँ, देयर वहाँ, अबाउट किसी के बारे में या लगभग, ओवर ऊपर, आई मैं, वी हम, दे वे सब, यू तुम, तू या आप, ही वह लेकिन लड़का या आदमी, शी वह लड़का या सॉरी लड़की या कोई भी औरत या फीमेल, स्त्रीलिंग के लिए काम में आता है शी। इट वह जानवर या कोई वस्तु, माय पेन मेरा पेन, अवर स्कूल हमारा विद्यालय, देयर सिटी उनका शहर, योर सिस्टर तुम्हारी बहन, हिज बुक उस लड़के की किताब, हर बुक उस लड़की की या औरत की किताब, अगेंस्ट किसी के खिलाफ या विरोध में या सामने, गिव मी मुझे दीजिए, गिव अस हमें दीजिए, गिव देम उन्हें दीजिए, गिव हिम उसे दीजिए मतलब किसी लड़के को, गिव हर उसे दीजिए लेकिन किसी लड़की को या औरत को, देन फिर, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, अप ऊपर, डाउन नीचे। तो फ्रेंड्स ये थे मीनिंग। तो ये इनिशियल है, स्टार्टिंग है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मीनिंग सीखने मिलेंगे। आइए यहाँ पर एक बॉक्स है, माइंड इट बॉक्स, इसमें हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर जगह यहाँ पर अलग अलग तरह का नॉलेज आपको दे रखा है और ये नॉलेज इस हिसाब से दिया है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग करते समय या इंग्लिश में कुछ खास बात करते समय उसको काम में ले पाए। तो सेंटेंस हमारे सामने है, शी dwells एट महाराष्ट्र इन इंडिया। dwell का मतलब होता है रहना या निवास करना। dwell की जगह हम चाहें तो live भी लिख सकते हैं। शी lives एट महाराष्ट्र इन दिल्ली, वह महाराष्ट्र इन इंडिया, वह इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में रहती है। तो जो बड़ी जगह होगी उसके आगे इन आएगा और उस बड़ी जगह में कोई छोटी जगह हो तो उसके आगे एट आता है। तो कैसे हम लिख रहे हैं देखना ध्यान से, तीनों सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एट और इन का उपयोग कैसे होता है। शी dwells एट महाराष्ट्र इन इंडिया, वह इंडिया में महाराष्ट्र में रहती है। ही dwells एट मुंबई इन महाराष्ट्र, वह महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में रहता है। दे dwell एट लोखंडवाला इन मुंबई, वह मुंबई के अंदर लोखंडवाला नाम की जगह पे रहता है। तो ये इन और एट का यूज बड़ी जगह और उसके अंदर की छोटी जगह से किस तरह से किया जाता है वो आपको एग्जाम्पल एक सिखाया है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे हमको इसको यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमने सीखा आज वो था हमारा स्टेज सेकेंड ऑफ द कोर्स। तो इसके बाद हम सीखेंगे इसकी अगली स्टेज, जो आपको इसका वीडियो यूट्यूब पर और जो ऐप से पढ़ रहे हो तो ऐप पर अवेलेबल होगा। अभी तक के लिए आपको हम यही एडवाइस दे सकते हैं कि आप बार बार वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। जितना आप बार बार वीडियो देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे जो भी टॉपिक है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, आपकी जबान पर आपकी टंग पर वो सेंटेंस फिट हो जाएंगे, फिर आपको इंग्लिश बोलना ईजी हो जाएगा, आपके लिए एक रूटीन वर्क भी बन जाएगा। तो हर चीज़ को ध्यान से और पेशेंस के साथ सीखें। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।